छतरपुर में खजुराहो झांसी फोर लेन का काम शुरू किया गया है, लेकिन दर्जनों किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि शासन प्रशासन अपनी मनमर्जी से भूमि का अधिग्रहण कर रोड निर्माण कर रहे हैं। राजगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम गंज, देवगाम, बसारी, टुरिया आदि कई गांव के किसानों की जमीन का फोर लाइन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण तो किया गया, किंतु मुआवजा राशि नहीं दी गई। किसानों का आरोप है कि एक ही रकबा की भूमि में दो प्रकार का मुआवजा दिया जा रहा है। हमारे राजनगर तहसील में जो झांसी खजुराहो फोर लाइन बन रही है, इसमें इतनी बड़ी विसंगति है कि जो हजारों किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये इतना बड़ा अन्याय है कि इसमें किसी किसी की जमीन अगर आधी एकड़ गई है तो उसको मुआवजा मिल रहा है 100 आरे का, 200 आरे जमीन चली। एक दूसरा किसी को 1 एकड़ का मुआवजा मिल रहा है 2 एकड़ और किसी किसी को 2 लाख और किसी किसी को आधे एकड़ का मिल रहा है 10 लाख। ये जो विसंगति है इसी हलका में, एक हलका में ऐसी विसंगतियाँ हैं, इसके लिए बार बार किसानों ने भी आंदोलन किए। ये प्रशासन की लापरवाही है। किसानों द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि NHI में जो राजनगर सब डिवीजन में भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनकी शिकायत है कि जो मुआवजा वितरण किया गया उसमें विसंगति दिया है। कुछ लोगों को 1 एकड़ जमीन का ज़्यादा दिया गया है, किसी को कम दिया गया है, तो उसकी जाँच कराई जाए। जाँच के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसका विधिवत तरीके से जो भी जाँच होगी उसका निराकरण करेंगे। वहीं अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा।